हमेशा अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा एक बार फिर चर्चाओं में है। अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा ने महिलाओं और बेटियों के लिए सावन मेले का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट। अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को आम जन तक पहुंचाने के लिए मेले का आयोजन किया। मेले में बड़े बड़े झूले लगाए गए जो आकर्षण का केंद्र बने रहे, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस मेले में राजस्थान से आए कलाकारों ने धार्मिक गानों पर अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम की भव्यता और सांस्कृतिक छटा को देखते हुए खुद विधायक जजपाल सिंह जज्जी एवं जिला कलेक्टर मंजू शर्मा अपने आप को रोक नहीं पाई। उनसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण। चारों तरफ सजे धजे झूले और इन पर झूलती बच्चियां एवं महिलाएं इस मेले का आनंद उठाती नजर आईं। इस मेले में कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें खाने पीने के सामान के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन की भी स्टॉल लगाई गई थी। बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा जो सालाना कैलेंडर होता है, तो सावन मेले को भी मैंने कहा क्योंकि यह महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व का त्यौहार होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्व का होता है, जिसमें हम लोग झूले और ये सब का भी उपयोग करते हैं, मेहंदी वगैरह सब का। तो उसी क्रम में मैंने सोचा कि इसको क्यों ना हम अपनी महिला जागरूकता अभियान के साथ जोड़ें, और इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इसका आयोजन करवाया और उसमें हम लोग हमारे शहर की जनता को भी हम जोड़ें इससे, और जिसमें उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखवाएँ हम। तो आज बहुत ही अच्छा हुआ, साथ में हमारा जो और हमने इस पर महत्वपूर्ण मुहिम चलाई कि स्व सहायता समूह हमारे ज़िले के जितने हैं उसको भी हमने इस मेले का पार्ट बनाया कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर आएंगे और जो लोग यदि लेना चाहेंगे तो उनसे वो ले सकते, तो उनको भी एक मार्केट मिलेगा। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न विभागों को जोड़कर इस कार्यक्रम को अंदाज देना चाहा। इस कार्यक्रम में विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन नगर में पहली बार किया गया है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर के साथ महिला बाल विकास विभाग की तारीफ भी की। निश्चित रूप से आज जो सावन मेले का आयोजन हुआ है ये हमारी जिलाधीश महोदय की सोच थी और उनके निर्देशन में महिला बाल विकास के द्वारा ये आयोजन किया गया। ये निश्चित रूप से बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, और जिस तरह बाहर से कलाकार बुलाए गए और यहाँ पे सावन के महीने में और होली का फूल की होली गुलाब की होली का जो आनंद लिया शहर के सारे लोगों ने, तो निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत रहा और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी शहर के लोगों के लिए इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। कुल मिलाकर अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा के इस मुहिम की चौतरफा तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, अशोकनगर।